मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक का बैटमार कांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र से कीचड़मार कांड की खबर आ रही है। कांग्रेस के विधायक ने एक इंजीनियर पर कीचड़ उड़ेल दिया। ये विधायक है पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे। नितेश राणे और उनके समर्थकों ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर बाल्टी भरकर कीचड़ उड़ेला था और उन्हें रस्सी से बांध भी दिया था। नितेश राणे महाराष्ट्र की कंकावली सीट से कांग्रेस विधायक हैं। गुरुवार को सिंधुदुर्ग गोवा हाईवे पर गड्ढों को देखने पहुंचे नितेश राणे ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर प्रकाश खेड़ेकर को मौके पर बुलाया और उन पर अपने कार्यकर्ताओं से कीचड़ डलवा दिया था। इसके बाद मामले ने जोर पकड़ लिया। विवाद बढ़ने के बाद नितेश के पिता नारायण राणे ने इस घटना की निंदा की थी। वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की ओर से विधायक नितेश राणे और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। भारी दबाव के बाद नितेश राणे ने कंकावली थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक नितेश राणे और उनके दो समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। राणे समेत उनके करीब 40-50 समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 342, 332, 324, 323, 120 ए, 147, 143, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।